हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डार्क सोल्स वॉकथ्रू। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोबारा अंडेड पेरिश जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट अब जो एरिया हम लोगों ने क्लियर करवाना है वो है सेंस फोर्ट्रेस। तो यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे और पहुँचेंगे फायरलिंग श्राइन, और फिर फायरलिंग श्राइन से लिफ्ट लेके पहुँचेंगे अंडेड पेरिश जहाँ पे ब्लैकस्मिथ था। और अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 1,00,000 सोल्स हुई हैं, और उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे फार्मिंग वगैरह कर रहा था, स्पेसिफिकली लार्ज टाइटनाइट शार्ड्स, क्योंकि मैंने जो है वो कैपरा डीमन वाली जो सोल्ड थी डीमन्स ग्रेट मशेटे वो फार्म कर ली थी, तो मैं उसको अपग्रेड करने का सोच रहा था। और उसके अलावा मैंने मुराकोमो ली थी लास्ट टाइम शिव ऑफ द ईस्ट को मारने से, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी अपग्रेड करूँ, क्योंकि वो गेम के एक एरिए में नेविगेट करने में हमें काफ़ी हेल्प करेगी। सो अभी फ़िलहाल क्योंकि हम लोग लार्ज टाइटनाइट शार्ड्स बाय नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फार्मिंग कर ली जाए उनकी। लेकिन असल में मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इस वजह से था क्योंकि मुझे 3 जो लार्ज टाइटनाइट शार्ड्स थी वो बड़ी इजीली मिल गई थी मेरे पहले ही रन में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाद में जो है वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। और अच्छा खासा टाइम लगा मुझे उन दोनों वेपन्स के लिए 18 लार्ज टाइटनाइट शार्ड्स फार्म करने में, बट वी गॉट इट। और उसी चक्कर में जो है वो सोल्स भी हमें मिल रही हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तो फिलहाल गोल ये है कि इन सोल्स को बचा के हम लोग ले जाएं ब्लैकस्मिथ के पास, अपनी वेपन्स अपग्रेड करें, और जो कुछ बच जाएगा फिर हमारे पास उनको फिर अपने लेवल्स अप के लिए लगा देंगे। अगर आप इस टाइम पे ये फार्मिंग नहीं करना चाह रहे, डेफिनेटली कोई लाजमी नहीं है, कर लेते तो यकीनन आपको एक और चॉइस मिल जाएगी स्ट्रेंथ वेपन की। और डेफिनेटली जब मैं हूँ तो मुझे बोरियत फील होना शुरू हो जाती है अगर मैं एक ही वेपन बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करता रहूँ। सो एटलीस्ट 1 से 2 ऑप्शंस होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी लाजमी नहीं है ऐसा करना। और असल में बात यह है कि सेंस फोर्ट्रेस जो कि हमारी नेक्स्ट लोकेशन है, उसमें थोड़ा प्रोग्रेस करने के बाद हम एक मर्चेंट के पास पहुंचेंगे जहां पे हम लार्ज टाइटनाइट शार्ड्स बाय कर सकते हैं उससे। सो अगर आप लोग वेट कर रहे हो, सिंपली आप मतलब सेंस फोर्ट्रेस के अंदर या किसी भी जगह पे से सोल्स फार्म करके ले आओ और सिंपली आके लार्ज जो टाइटनाइट शार्ड्स हैं वो बाय कर लो उस मर्चेंट से, सो ये भी एक ऑप्शन है और मेरे ख्याल से इजी ऑप्शन है ये। तो अच्छी बात यह है कि ये लोग यहाँ पे स्टिल मौजूद हैं, हम लोग स्टिल इस बंदे से थोरलोंड से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे बात करेंगे तो फिर जो बाकी के इसके 3 कंपेनियंस हैं और मेरे ख्याल से ये खुद भी यहाँ से चला जाएगा, और वो चीज़ फ़िलहाल हम बिल्कुल नहीं चाहते। अगेन बिल्कुल नहीं चाहते से मुराद मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसी गलती कर लोगे जो रिकवरेबल नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि हम जस्ट एक NPC एनकाउंटर मिस कर देंगे। बहरहाल पहुंच चुके हैं हम लोग अंडेड पेरिश, और ये आई थिंक इनको इग्नोर करना बेहतर है। वेल, ये लोग आ रहे हैं तो आई थिंक हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं बस ये देख रहा था कि इन्होंने कोई चीज़ तो ड्रॉप नहीं की, मेनली टाइटनाइट शार्ड। सो आएंगे यहाँ पे रेस्ट करेंगे ताकि ये एक्टिव बॉनफायर हो हमारी डेथ के बाद।
और या तो हमारे पास फिलहाल टाइटनाइट शार्ड कोई नहीं है, या व्हाई नॉट 20, क्योंकि मेरे पास शायद लार्ज टाइटनाइट शार्ड्स भी 20 ही हैं। सो रिइंफोर्स करते हैं, एक्चुअली हम दोनों ने इन दोनों वेपन्स को रिइंफोर्स करना है। ठीक है, ये हो गई प्लस 5 पे, उसके बाद मुराकोमो कर लेंगे। मुराकोमो एक्चुअली चाहिए हमें कैटाकॉम्स को क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि जो मुराकोमो है उसको हम लोग डिवाइन पाथ पे लेके जाएंगे, और डिवाइन पाथ क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम कैटाकॉम्स को क्लियर करवा रहे होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मुराकोमो नहीं करना चाहते तो आप ज्वाइंडर करवा सकते हो, बट मुझे ऐसा फील होता है कि मुराकोमो जो है वो ज़रा ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि ये अल्ट्रा ग्रेट सोर्ड नहीं है, ये सिंपल कर्व ग्रेट सोर्ड है, तो इसका मूव सेट ज़रा तेज़ है ज्वाइंडर से। और मुझे मुराकोमो एक्चुअली काफ़ी पसंद है, तो एक वजह ये भी है। सो कैंसल, डिवाइन वाले में हम लोग असेंड करेंगे मुराकोमो को, और नॉर्मल वाले में रा में नहीं, ये रा है और ये डिवाइन है। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोग लेवल 6 पे ले जाएंगे डीमंस ग्रेट मशाटे को, और उसके बाद रीइंफोर्स करेंगे इसको प्लस 10 पे। ऑलराइट, सो जो ग्रीन टाइटनाइट शार्ड्स हैं वो अब यूज़ होंगे डिवाइन मुराकोमो को अपग्रेड करने में, और ये भी आप लोगों को उन्हीं जो स्लग्स हैं उनसे मिल जाएंगी। लेट्स गो डू दिस। और प्लस 5 पे, और आई थिंक फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसको मज़ीद आगे अपग्रेड कर लूँगा, अगर कर सके तो, पहली बात यह है, बट या वी आर गुड नाउ। और अब जो हमारे पास बाकी बची हुई सोल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट मी चेक कि मेरे पास एरोज़ कितने हैं, 42, 84, या आई थिंक मुझे जो नॉर्मल एरोज़ हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बाय करके रख लेने चाहिए। परचेज आइटम स्टैंडर्ड एरोज़ लाइक दो 300 आई थिंक, दोबारा ज़रूरत ही ना पड़े। को और लगे हाथों थोड़े से लार्ज एरोज भी बाय कर लें। ऑल राइट, दो लेवल डालेंगे एंड्योरेंस में 30, और उसके बाद जितनी हेल्थ हो सकती है नेक्स्ट, अब हम हेल्थ को भी 30 पे ले आएंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 40 हेल्थ बोल रहा हूँ, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को लेके जाएंगे, और उसके बाद बाकी जो भी हमारे स्टैट्स होंगे, मतलब स्टैट्स बोल रहा हूँ, सोल्स होंगी, वो सारी की सारी फिर हेल्थ में जाएंगी लेवल 50 तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंथ हमें लेवल 40 से ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। हाँ, 46 तक फिल किया तो ले जाना, ग्रेट एक्स जो हम लोगों ने लिया था टॉरस डिमन से उसके लिए, बट 40 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। तो ये एक ट्रैप है, इस तरह के काफ़ी ट्रैप्स होंगे इस एरिया में। तो अगर मैं ऐसे स्टेप करता हूँ इस पर, तो आप देख रहे हो 3 एरोज फायर होंगे, और ट्रैप्स जो हैं वो हमारे एनिमीज़ को भी
डैमेज कर सकते हैं। तो एज अ डिफेंसिव ऑप्शन भी इनको यूज़ किया जा सकता है। पिक करेंगे यहाँ से ये सोल ऑफ अ ब्रेव वॉरियर। उस आइटम को करेंगे पिक बट फिलहाल नहीं। सो ये ट्रैप्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से मेन ख़तरा यहाँ पे ये है कि ये आपको नीचे गिरा सकते हैं और वन शॉट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इनसे ना टकराओ। उसके बाद जाएंगे इस तरफ। आई थिंक मुझे यहाँ पे शील्ड यूज़ करनी चाहिए। ध्यान से या उसके जो ये लाइटनिंग बोल्ट्स हैं एक्चुअली हमें कुछ धकेल सकते हैं पीछे की तरफ, तो अगेन नीचे गिरने का ख़तरा है। ऑलराइट, तो नाउ यहाँ पे एक और ट्रैप है। हम करेंगे ये चेस्ट, दो लार्ज टाइटेनाइट शार्ड्स। सो लार्ज टाइटेनाइट शार्ड्स अब हमें यहाँ से वैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगी, तो अगर आप फार्म नहीं करना चाहते दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वापस ऊपर आएंगे। या मजीद ट्रैप्स। वेरी गुड। मेरे ख्याल से मुझे डैमेज ट्रेड नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। सो जैसे ही बॉल गुजरेगी यहाँ पे आके वेट करेंगे। कम ऑन, नीचे आ जा थोड़ा सा। ऑलराइट, तो इसका इरादा नहीं है नीचे आने का। और नहीं आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे रिंग ऑफ स्टील प्रोटेक्शन हमारे जो ओवरऑल डिफेंसेस हैं उनको ये बूस्ट करेगी। यहाँ से वापस नीचे जाने से पहले ज़रा वेट करेंगे नेक्स्ट बॉल का, और उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे ड्रॉप होंगे। पिक करेंगे शॉटन कर्व सोर्ड, जो कि एनिमीज़ को ब्लॉक करने के दौरान भी मार सकती है। और उसके बाद बात करेंगे इससे। सो अगेन जो ये ट्रैप्स हैं उनकी वजह से ये स्टक है यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप लोग इससे इस पॉइंट पे बात कर लो। जैसे ही बॉल गुजरेगी दोबारा ऊपर भागेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे, और अब की बार हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे फॉग में एंटर कर जाना। ऑलराइट, सो एक और ट्रैप। आजा बच्चे, लवली। ओके वेट, या यहाँ पे वेट करेंगे, और आई थिंक मुझे बॉल हिट कर जाएगी क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा हेजिटेंट होने की वजह से। बहरहाल यहाँ ऊपर आएंगे, और ये वो ट्रैप है जिसकी वजह से सिग्मायर वहाँ पे स्टक था। और अगर आप इसको पहले आके रोटेट कर देते हो या इसके साथ इंटरेक्ट कर लेते हो, तो मे बी जो सिग्मायर है वो बाद में आपसे बात ना करे। सो मेक श्योर कि आप पहले सिग्मायर से बात करो, बाद में यहाँ पे आओ। ठीक है। सो फिलहाल जिस साइड पे इसका ये लेवर है उसके ऑपोजिट साइड पे बॉल जाएगी, तो इस साइड से इसे रोटेट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं बॉल इस साइड पे ट्रैवल करें। और एक बार क्योंकि बॉल उस तरफ जा चुकी है, तो इसे वापस रोटेट कर देंगे इस तरफ। और अब हम खुद जाएंगे यहाँ पे।
सो एक्चुअली ट्रैप को इस तरफ रोटेट करने का मकसद ये था कि ये वाल ओपन करवानी थी हम लोगों ने. हम लोग एक्चुअली पहले यहाँ से गुजरे थे, तो ट्रैप इस वाल को ओपन करेगा. हम लोग आएंगे और अगर आप लोगों के पास मास्टर की है तो आप इस सोर्सरर को रेस्क्यू कर सकते हो. अगर आपके पास ऑफ कोर्स मास्टर की नहीं है तो सेंस फोर्ट्रेस के काफ़ी लेट एरिया के अंदर जाके हमें की मिलेगी. सो नेक्स्ट अब ये बंदा हमें मिलेगा फायर लिंक श्राइन में और कुछ डिसेंट सोर्सरीज वहाँ पे हमें सेल करेगा. तो अगर आप एक सोर्सरर बिल्ड है आपकी तो आप लोग मज़ीद आगे सेंस फोर्ट्रेस में प्रोग्रेस करने से पहले वापस फायर लिंक श्राइन जाके कुछ नए स्पेल्स बाय कर सकते हो इससे, जो कि डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको सेंस फोर्ट्रेस और उससे आगे आने वाले एरिए में. बहरहाल यहाँ से वापस जाएंगे. ये स्टेयर्स नो इस तरफ, तो एग्जैक्टली हम उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे से पहले हम गुजरे थे. मेक श्योर के बॉल नीचे तो नहीं आ रही. सेम वही पाथ है जो हमने पहले लिया था. इस तरफ जा रही हैं बॉल्स. ऐसा नहीं है कि आप मतलब ट्रैप को एक तरफ टर्न करके आ गए थे तो वो दोबारा ख़ुद को रोटेट नहीं कर सकता. ट्रैप की जो लोकेशन है वो अपने आप ही चेंज होती रहती है. ऑलराइट, सो ट्रैप रूम में अगर ये बॉल ऑलरेडी इस तरफ नहीं जा रही तो आप इसको यहाँ पे आके दोबारा इस तरफ जाने के लिए सेट कर सकते हो. और एक से दो जब बॉल्स चली जाएं इस तरफ तो आप उसके बाद फॉलो कर लो इनको. और उसकी वजह यह है कि अगेन हम लोग बॉल्स को यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे एक और पाथ ओपन करने के लिए. सो यहाँ पे मकसद यह है कि जो बॉल्स हैं वो आके इस होल को फिल करेंगे और जब ये होल फिल हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट बॉल आएगी वो इस सामने वाली वाल को ओपन कर देगी. तो जब तक ये होता है हम चल के इस मिमिक को मार लेते हैं. और मिमिक हैं वो एनिमीज जो कि चेस्ट बन के यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं किसी इनोसेंट हमारे जैसे ट्रैवलर का, कि वो आएगा चेस्ट ओपन करेगा और उसमें फंस जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं. सो मिमिक को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि उसके जो राइट साइड पे चेन है अगर उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है तो वो एक मिमिक है, और अगर उसकी चेन बैकवर्ड्स मुड़ी हुई है तो वो प्रॉपर चेस्ट है. तो ये मुझे पता है कि एक मिमिक है. सिंपली लेट्स गो हिट हिम एंड ही इज डेड. बट स्टिल मिमिक जो है वो काफ़ी हार्ड एनिमीज हो सकते हैं और उसकी मेन वजह यह है कि ये अच्छा खासा डैमेज करते हैं. सो लेट्स सी, ठीक है बॉल ओपन हो गई है, जल्दी से आएंगे. आई थिंक बॉल आ रही है पीछे से. या जस्ट ये रिंग पिक करेंगे जो कि आइटम डिस्कवरी आइटम ड्रॉप रेट को इंक्रीज करती है. और उसके बाद वापस हमें मज़ीद उस हालवे में जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हम लोगों ने लेनी है ये लिफ्ट, और ये लिफ्ट एक्चुअली एक डेथ ट्रैप है. तो जैसे ही यहाँ पे आएगी हम लोग इसे उतर जाएंगे क्योंकि ये मज़ीद ऊपर जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी. ऊपर ट्रैप है. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इस तरफ और या ठीक है इस डोर को अभी हम ओपन करते हैं. और हम वापस आ जाएंगे यहाँ जो मैकेनिज्म रूम है उस तरफ. सो अगेन आई थिंक अब हम इसे
टर्न कर सकते हैं इस तरफ। ये साइड एक्चुअली जस्ट ड्रॉप है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो यहाँ नीचे एक एनिमी है। इधर आएंगे और इस तरफ तो यहाँ से बैक सोर्सरर का पूरा जो आर्मर तो नहीं कहना चाहिए इनको, मतलब ड्रेस है पूरा, वो पिक करेंगे। और ये वो डोर था एक्चुअली जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि इसको ओपन करते हैं अभी। और अब इस तरफ यहाँ पे इसे मारेंगे। पिक करेंगे ये रिंग। और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। सो अगर आपको फील हो रहा है कि आपको हीलिंग आइटम की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप जाओ यहाँ से। ये बिल्कुल स्टार्ट वाला एरिया है, इस फॉलो करो। आप सन फोर्टर से बाहर जाओगे, सामने ही जो है वो अंडर पैरिश की बॉनफायर होगी, वहाँ पे रेस्ट करके दोबारा इस जगह पे आ जाओ। बट ये नॉट अ गुड स्टार्ट। सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था कि रेस्ट करके आ जाएं, बट मैंने काउंट नहीं किया कि मैं खुद यहां से नीचे गिर जाऊंगा उस ट्रैप में अटक के। मे बी मुझे अपनी एडवाइस पे खुद अमल करना चाहिए। कम ऑन ब्रोस, आ जाओ। ऑल राइट। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इस टाइम पे डीमंस ग्रेट में शटर क्यों नहीं यूज़ कर रहा, तो उसकी वजह यह है कि फिलहाल मेरी जो स्टैट रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी नहीं है कि मैं सिंगल हैंडेडली वेपन यूज़ कर सकूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऑप्शन हो अपनी वेपन को सिंगल हैंड और डबल हैंड यूज़ करने का। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे मैं नहीं चाहता कि किसी टफ सिचुएशन में मैं शील्ड यूज़ ना करने के काबिल हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मज़ीद नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे दो चीज़ें करनी है हमने। एक तो हैवल की रिंग चेंज करनी है हम लोगों ने रस्टेड आयरन रिंग से, ताकि हम लोग यहाँ ईजीली मूव कर सकें। और मैं दिखा रहा था 40 स्ट्रेंथ, तो डबल हैंड मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट सिंगल हैंड यूज़ करने में मसला होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली 4 टाइटनाइट डीमंस हैं नीचे, उनमें से एक ऑलरेडी एग्रो हो चुका है। सो ये आई थिंक बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग रेस्ट करके वापस आ जाएं यहाँ पे। रेस्ट करने की प्रॉब्लम जस्ट ये है कि सारे एनिमीज रिस्पॉन हो जाएंगे, तो और इसी वजह से मैं थोड़ा झिझक रहा था, बाकी और कोई वजह नहीं थी। आ शेट, मैं वेट कर रहा था कि उसका अटैक कोई मैं वेट करवाऊं और हील करूं। ऑलराइट। तो यार जैसे अब ये सिचुएशन थी, मैं यहाँ पे काफ़ी सेफ था शील्ड के साथ फाइट करने में, तो मैंने शील्ड जो है वो निकाल ली। अगर यहाँ पे मैं डीमंस ग्रेट में शैटे यूज़ कर रहा होता तो मैं मजबूर था
डबल हैंडेडली फाइट करने में, अदरवाइज मैं उस वेपन को प्रॉपरली यूज़ ना कर पाता। आई डोंट नो व्हाई मैं हर बार इसको रोल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से ब्लॉक करना ज़्यादा बेहतर है। असल में मुझे एल्डन रिंग वाली आदत है कि रोल करना बेहतर है, और डार्क सोल्स 3 वाली, क्योंकि वो गेम ज़्यादा फास्ट हैं बनिस्बत इस गेम के। ओके, दूसरा टीम डीमन टाइटनाइट हमें मिल चुका है, और साइथ हमें मिला जो कि एक अच्छी डेक्सटेरिटी वेपन है। आई थिंक नेटिव ब्लीड इफेक्ट भी है इस पर, और कैटाकॉम्स में हमें ग्रेट साइथ मिलेगा जो कि आई थिंक ज़्यादा बेहतर है इससे। और अगर बात की जाए टाइटनाइट डीमंस की, तो फ़िलहाल हम लोग ओवरऑल 3 मार चुके हैं आई थिंक, और जैसे जैसे हम इनको मारते जाएंगे नेक्स्ट एनकाउंटर जो होगा इनसे वो हार्ड होगा पहले से। ये लोग, इनकी हेल्थ ज़्यादा होगी और इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और ये हम पे मतलब ज़्यादा हैवी अटैक्स कर रहे होंगे। तो दूसरा वाला जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है फाइट में, तो आई थिंक थोड़ा पीछे आ जाना चाहिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एट अ टाइम हम इन दो से फाइट करें, और आप लोग देख रहे हो कि जो डैमेज हम डील कर रहे हैं इस टाइम पे इस टाइटनाइट डीमन से वो काफ़ी कम है बान इसको पहले दो के, और उसकी वजह यही है कि ये लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं हर बार जब एक डीमन टाइटनाइट मरता है। बट हम मार सकते हैं स्टिल, बस फर्क ये है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा। ओह शिट, आई एम नॉट इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ। ओह बॉय, प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि एक्चुअली वो दोनों इन्वॉल्व हो गए थे फाइट में। डेफिनेटली हमें इनको इस टाइम पे मारने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इनको नहीं मारूँगा। मुझे एक्चुअली पहले ही इनको नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि इनकी हेल्थ अब काफ़ी बढ़ जाएगी, कि हम लोगों ने अभी 2 टीम टाइटनाइट्स को मारा था। ओ मैन सर्पेंट ग्रेट सोर्ड, एक और अच्छी ग्रेट कर्व सोर्ड जो कि मुझे पहले प्ले थ्रूज में नहीं मिली थी। नहीं, ये सिंपल ग्रेट सोर्ड है, ऑलराइट, बट अच्छी ग्रेट सोर्ड है ये। ऑलराइट, इसको मारें। अगर इन 3 में से एक बंदा आप प्लंजिंग अटैक में मार लेते हो तो ये एनकाउंटर काफ़ी इजी हो जाएगा। सो आई थिंक इन 2 डीमन टाइटनाइट्स को फ़िलहाल के लिए हम लोग स्किप करवाते हैं, क्योंकि वैसे भी एपिसोड का टाइम काफ़ी लंबा हो गया, और ये अगर हम इसे फाइट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ से चलें ऊपर। अच्छी खासी लंबी लैडर है ये। यह है वो आइटम जो बालकनीज पे हम लोग पहले देख रहे थे, उसके बाद ये फेक वॉल और मज़ीद लैडर। और यहाँ पे एक जायंट है, तो ये वो जायंट है जिसने सेंस फोर्ट्रेस का गेट ओपन किया था। हार्ड हिटिंग एनिमी है लेकिन बहुत स्लो है, तो अगर आप इसके पीछे आ जाते हो तो इसे फाइट करने में कोई मसला नहीं होगा।
सिंपली आप वॉक करते हुए पीछे निकल आओ और 3 से 4 हिट्स में मर जाना चाहिए इसे। वेरी नाइस। सो इन जायंट्स या ये टाइटनाइट चंक ड्रॉप कर सकते हैं और 3000 सोल्स। सो अगर आपके पास इस वक्त हीलिंग आइटम्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे। मैं क्योंकि इस वक्त एपिसोड एंड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से वापस बॉनफायर पे जा रहा हूँ होमवर्ड बोन यूज़ करके। सो नेक्स्ट एपिसोड में अगेन हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया जो है सेंस फोर्ट्रेस का वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे वापस आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगा कि आप लोग मज़ीद आगे कंटिन्यू उसी पोजीशन से कैसे कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।